तो यार आज है लेग डे और आज हम करने वाले हैं लेग्स, जो कि किसी भी लड़के का मन करता नहीं है करने का, बहुत कम लोग हैं, बट करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और लेग डे में हम करने वाले हैं स्पेसिफिकली आर्नोल्ड का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि आर्नोल्ड यूज़ करता था अपने टाइम पर, क्योंकि अभी हम ओल्ड क्लासिक बॉडी बिल्डिंग सीरीज़ में चल रहे हैं, उसमें हमने 4 एपिसोड डाल चुके हैं। अभी लेग्स और एब्स बचाए, तो आज हम करने वाले लेग्स। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ लेग डे से रिलेटेड, और वो ये है कि लेग डे जब होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तब तो हमें मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि पेन होता है बहुत सारा लेग में एज़ कम्पेयर टू अदर मसल्स। बट लेग करने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, जैसे हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है करने के बाद, ऐसा लगता है कि हाँ हमने सही किया। तो वैसे ही लेग डे में मज़ा तो नहीं आता करने में, और लेग डे मोस्ट लोग अवॉइड करते हैं, पर लेग डे करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ हमने सही चीज़ करी और ज़रूरी थी। और लेग डे क्योंकि बहुत मेन कंपोनेंट है हमारी फिजिक का, अगर आपकी अपर बॉडी अच्छी है और अगर आपके लेग्स वीक हैं, तो मेरे को लगता है जो अपर बॉडी की जो हमने मेहनत की होती है वो भी कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो लेग डे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको मिलाता हूँ एक शख्स से जो कि लेग डे करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, महीने में एक बार हो गया लेग डे। लोग जानना चाहते हैं कि आप लेग डे क्यों मिस करते हो। गाइस मैं लेग डे मिस नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, मेरा पेपर था एक्चुअली 17 जुलाई को, कल ही खत्म हुआ है नीट का, और मिस नहीं करता हूँ भाई, ये मेरा मिस करवाता है, झूठ बोल रहा है। तो गाइस आज लेग्स वर्कआउट है हमारा, आर्नोल्ड सीरीज की वीडियो, अब अपना वो लेग्स वर्कआउट है गाइस। अब हम जा रहे हैं, सबसे पहले कुछ प्री वर्कआउट मील लेने, उसके बाद चलेंगे अपना थोड़ा पूल, और पूल के बाद चलते हैं रात को जिम। लेग डे आज लेग डे है, यस गाइस ये स्किप करता है लेग डे, मेरा नाम लगा रहा था साला, लेग डे ये स्किप करता है। काफ दिखा, काफ भाई, काफ को कुछ नहीं होता समझा, देख ले मेरे साइड कौन खड़ा है। गाइस हमारे सब्सक्राइबर, हेलो गाइस, मैं सब्सक्राइबर हूँ इनका, मैं इनका डाई हार्ट फैन हूँ। गाइस सारी वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्या सब डाल दे इसमें। तो गाइस मिलते हैं वहीं पे आपको। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ जकूजी, और तो गाइस मैं आ गया हूँ, और अभी दिखाता हूँ असलियत क्या है, अभी दिखाता हूँ। अभी हम तेल भराने गए थे स्कूटी में, और इसने साइलेंसर की पुच्ची कर ली साइलेंसर की पुच्ची कर ली इसने, मैं दिखाता हूँ बैक क्या होती। मैं जिम के लोग हैं रेडी, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज लेग डे है, तो लेग डे में मैं आपको ये और बोलना, एक और बात बोलना चाहूँगा, अगर आप जब शूज़ पिक कर रहे हैं जिम के लिए, शू हो वो फ्लैट सोल हो, उसमें हील वगैरह ना हो, जैसे कुछ शूज़ में हील होती है 1-2 इंच की छोटी मोटी सोल होता है जो, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा फ्लैट सोल हो, क्योंकि जब फ्लैट सोल नहीं होता तो हील होती है वो इस तरीके की होती है, ऐसे स्क्वाट्स मारने पड़ते हैं हमको ऐसे। देन आप कोशिश कीजिए कि आपके लेग्स में एकदम फ्लैट सोल हो, जिससे कि आप स्क्वाट्स मारो तो स्पेसिफिकली लेग्स टारगेट हो। और नीचे चलते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ आज आर्नोल्ड्स लेग डे विद जिम ब्रोस। स्क्वाट्स is I think the most important exercise to create thighs, big thighs. Squats, rear squats, front squats, leg extensions, lunges, stiff-legged deadlifts, or good morning exercise with stiff legs, and a lot of leg curls. Then we sometimes, in order to shock the body and the muscle, we would switch from squats to leg press, to just load up the leg press machine and do a lot of leg press. You monster! You'll pay for that! You'll pay for that! You're gonna regret telling me that, Samasu! Because now I'm mad! I'm really, really mad! And now it's time! Come on, Kakarot! Find a way! I entrusted everything to you! My pride, my promise, everything! I won't tolerate failure! Trespass into the domain of the gods and use that might to conquer Jiren! Do it, Kakarot!
you're entitled to greatness. Is that supposed to be insulting? You say I'm arrogant, I say damn right. That's pride, pride in the Saiyan I am. The mighty prince of the ultimate warrior race. Invaded my mind and my body, but there's one thing a Saiyan always keeps: his वर्कआउट खत्म। आज लेग डे था। मैं आपको सच बताऊं तो जब मैंने लेग डे स्टार्ट किया था तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था लेग डे करने का, बट जब मैंने कर लिया तो करने का मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये ऑलमोस्ट हर बार होता है मेरे साथ, जब मैं करने जाता तो मेरा बिल्कुल मन नहीं होता कि नहीं करना, स्किप कर देते हैं, चेस्ट कर लेते हैं या फिर कुछ और शोल्डर मार लेते हैं। बट मेरे को लगता है आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा, पर मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कीजिए जैसे कि मैंने किया, पर करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने लेग्स किए, क्योंकि लेग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात रही आर्नोल्ड लेग डे की, तो लेग डे में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो भी एक्सरसाइज हमने एयरनॉल्ड में करी सारी फंडामेंटल्स थी, स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गए और लेग कर्ल्स हो गए या फिर लेग प्रेस हो। गाइस वी आर बैक टू बेसिक्स। तो वही सारी फंडामेंटल एक्सरसाइज थी जो कि हम लोग स्किप कर देते हैं पता नहीं क्यों। तो मैं तो आप लोगों को ये बोलूँगा कि स्किप मत कीजिए और लेग डे इंड्योर कीजिए, मैं तो बोलूँगा सर्वाइव कीजिए। तो गाइस मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा होता है कि हर एक्सरसाइज हर बंदे को अलग हिट करती है। जो आपको बेस्ट सूट कर रही है सारी एक्सरसाइज ट्राई करो और जो आपको बेस्ट सूट कर रही है वो करो। जैसे कि लेग डे था तो सब्सक्राइब के बटन पे 20 किलो का लेग प्रेस मार दो या फिर 70 किलो के स्क्वाट्स मारो।